छप्पन और सुरेश अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी और रबाडा की घातक गेंदबाजी के कारण दिल्ली ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से बुरी तरह से हराया। दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वहीं हैदराबाद की टीम की तरफ से ओपनिंग में डेविड वार्नर और रिद्धिमान साय, लेकिन डेविड वार्नर मैच की तीसरी गेंद पर 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और कप्तान केन विलियमसन और मनीष पांडे भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हैदराबाद की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 28 रन अब्दुल समाद ने बनाए और हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 134 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट कभी सो रबाडा ने लिए और वहीं जवाब में 135 रनों के लक्ष्य में उतरी दिल्ली की टीम को शुरुआत में पृथ्वी शो के रूप में झटका लगा, लेकिन शिखर धवन और श्रेयस अय्यर की ताबड़तोड़ पारी ने 52 रनों की साझेदारी की और फिर 42 रनों पर शिखर धवन आउट हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी से दिल्ली ने इस मैच को 17.5 ओवर में 8 विकेट से जीत लिया और वहीं पॉइंट्स टेबल में दिल्ली की टीम नंबर 1 पर आ गई है। दिल्ली की तरफ से कप्तान ऋषभ पंत ने 35 और वहीं श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। तो दोस्तों, इस तरह की क्रिकेट अपडेट के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।